नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 1/11/2021 को 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में बच्चों द्वारा पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता आदि की आयोजित का उद्घाटन दरभंगा के माननीय एवं लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एवं नगर के माननीय एवं लोकप्रिय विधायक श्री संजय सराबगी दरभंगा एवं इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर विजेंद्र कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर दिनेश राम आदि लोग उपस्थित रहे। दिनांक 2/11/2021 को अस्पताल परिसर में 10 बजे एक पूजा का आयोजन किया जाएगा। कि आज का आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ धनतेरस जो है धनतेरस जयंती के रूप में सदियों से मनाया जाता रहा। ये पिछले 5 सालों से जब से हमारे जो है ये छठा है जो है 5 सालों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है जब से आए तब से उनको ये था कि भाई पूरे देश में एक तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में जो है मनाने का जो है पूरा घोषणा किया। और आज जो है सौभाग्य की बात है कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा एम्बेसी है उन सब जगहों पर आज जो है आपको आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस एक्चुअल होता है धन्वंतरी जयंती के दिन जो है जो कल है आपको, लेकिन इस बार उनका था कि जो है कि एक दिन पहले लोगों को जागरूक करने के लिए जो है मनाया जाए और उसी डायरेक्शन के अनुरूप हम लोग मना रहे हैं। और इस बार का थीम हर साल बदल जाता है आयुर्वेद दिवस का। इस बार का जो थीम था वो आपको जो है पोषण आहार और पोषण दवाइयों का एक लिमिटेशन है। हर लोगों को दवाई नहीं दी जा सकती, हर लोग दवाई खरीद नहीं सकते हैं और दवाइयों से रोग का जड़ से चला जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन आहार और पोषाहार एक ऐसा चीज़ है कि अगर उसको नियमित रूप से ढंग से लिया जाए और सत्ता के अनुसार लिया जाए तो उससे जो है काफ़ी लोग हमारा आयुर्वेद ही मानता है कि 70% बीमारियां अहित आहार विहार के होने गलत खान पान की वजह से या खान पान में कमी की वजह से होता है। तो इस बार फोकस है कि हम खान पान में लोगों को गरीब से गरीब लोगों को भी जो है ये संदेश पहुँचाएँ कि जो आसपास का लोग है वो लोकल फॉर वोकल वाली जो बात है कि जो आसपास में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लोग नहीं यूज कर पा रहा है तो उसके प्रति लोगों को हम लोग जागरूकता पैदा करें जो है और जो है लोगों को स्वस्थ रखने की अभिलाषा पैदा करें। जो योग हो, आयुर्वेद हो, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की और भी जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से लोग अपने को जो है जानकारी प्राप्त कर अपने उसका जो उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें जो है। इसी क्रम में जो है हम लोगों ने ये संदेश देने के लिए लोगों को ये कार्यक्रम आयोजन किए, जिसमें हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद यहाँ के जो हैं गोपाल जी ठाकुर जी वो आप आए हुए हैं, माननीय हमारे नगर विधायक जो है श्री संजय सरावगी जी वो आए हुए हैं और जो है आपको कि काफ़ी लोग हमारे जनप्रतिनिधि को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, लेकिन ये चूँकि ऐसा दिन होता है और आज जो है कार्यक्रम में कोई ये था नहीं, तो हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी का भी ये था, हमारे जीवेश मिश्रा जी का ये था जो है और अभी आप देखे होंगे कि अशोक यादव जी का फोन, माननीय हमारे जो सांसद हैं जो है उनका ही फोन आया कि नहीं साहब आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम समय निकाल करके आएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधियों को और जन एक एक जन को हम लोग चाहते हैं कि अपने से रूबरू करें, उनके कुछ आर्थिक पक्ष को भी हमें तो स्वास्थ्य तो सुधारें ही, अपने जड़ी बूटियों को जो है को जो है कल्टिवेट करा करके उसको संरक्षण करा करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलावें, आत्मनिर्भर बनावें, वो स्वस्थ भी उससे बनेंगे, आत्मनिर्भर भी बनेंगे जो है और जो है दूसरे जगह जो दर भटक रहे हैं यहाँ के लोग जो है कि 10,000-5,000 के नौकरी के लिए दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये अगर हम लोग जागरूक करते हैं, लोग जागरूक होते हैं। अभी जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रस्ताव आया कि जैसा दरभंगा में एक कार्यक्रम रखिए किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और आपने सुना कि वो 50 किसानों को हम समझते हैं कि 2 महीना के अंतर्गत हम लोग यहाँ प्रशिक्षित करेंगे और उनको प्रशिक्षित ही नहीं करेंगे बल्कि उनको फॉलो अप करेंगे, उनको जो कठिनाइयाँ हैं जो है
जो उनको मान लें कि जो है लोग अगर पैसे की दिक्कत है तो दोनों में ये हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का, हम लोग आयुर्वेदिक अस्पताल केवल जो है रोगों का इलाज नहीं करता है बल्कि स्वस्थ बनाने का एक जो है आपको योजना हमारे सदियों से चलते आ रहा है। और लोगों को स्वावलंबी बनाएं, धनतेरस में केवल धन की पूजा नहीं बल्कि धन एक्चुअल हम लोग कहते हैं कि अगर हेल्थ है वही सबसे बड़ा धन है कि आप काम करेंगे तभी तो कुछ करेंगे, काम करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी तो हम समझते हैं। आप लोगों का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है समाज को जागरूक करने में आप लोग लंबे टाइम से लगे हुए हैं और हमारे